नमस्कार दोस्तों, इंफ्राटॉस के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं रेलवे स्टेशन के रिडेवलपमेंट से, जहां पर दोस्तों फरीदाबाद रेलवे स्टेशन के रिडेवलपमेंट का अनाउंसमेंट हमारी रेलवे के द्वारा कर दिया गया है और इसके रिडेवलपमेंट को लेकर 261.97 करोड़ रुपीज़ भी एलोकेट किए गए हैं। दोस्तों फरीदाबाद रेलवे स्टेशन हरियाणा स्टेट में लोकेटेड है और हमारे देश के नदन पार्ट में ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन माना जाता है, क्योंकि ये दिल्ली आगरा मेन लाइन पर लोकेटेड है। रिडेवलपमेंट के अंतर्गत यहाँ पर दो न्यू बिल्डिंग्स बनकर तैयार होंगी, जिन्हें एक वाइड कॉन्कोर्स के थ्रू कनेक्ट किया जाएगा। एक वेटिंग एरिया, एक शॉपिंग प्लाजा, एक फूड कोर्ट, एक मल्टी लेवल पार्किंग जिसमें 250 कार्स और 350 टू व्हीलर्स की पार्किंग फैसिलिटी होगी, इसको भी बनाया जाना है। लिफ्ट, एस्केलेटर्स और ऐसी जो चीज़ें जो न्यू स्टेशन पर बनती हैं वो तो यहाँ पर बनेगी। अभी तक इसका मास्टर प्लान, सर्कुलेशन प्लान, स्टेशन बिल्डिंग प्लान, मल्टी लेवल कार पार्किंग प्लान और एक फुट ओवर ब्रिज, इन सब चीज़ों को अप्रूव किया जा चुका है और रिमेनिंग एक दो चीज़ें जो अभी प्लान की जा रही हैं वो भी अगले एक दो हफ्ते के अंदर अंदर अप्रूव कर दी जाएंगी। मोस्ट प्रोबेबली एक दो महीने के अंदर अंदर इसके टेंडर को लेकर काम स्टार्ट हो जाएंगे। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है कांडला पोर्ट से रिलेटेड, जहाँ पर दोस्तों कार्गो सप्लाई को बेहतर बनाने के लिए दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट के द्वारा डिसाइड किया गया कि एक मल्टीपर्पज कार्गो बर्थ को कांडला पोर्ट के आसपास डेवलप किया जाएगा और स्पेसिफिकली कांडला पोर्ट के आसपास टूना टेकरा, जो कि कांडला पोर्ट की एक सैटेलाइट फैसिलिटी है, वहीं पर ये बनकर तैयार होगा। दोस्तों दीनदयाल पोर्ट हमारे देश की वन ऑफ द लार्जेस्ट पोर्ट्स में से एक पोर्ट है। यहाँ पर जो कार्गो बर्थ अभी बनकर तैयार होगा वो स्पेसिफिकली कार्गो सप्लाई को तो बेहतर बनाएगा ही बनाएगा, इसके लिए कार्गो की कैपेसिटी भी इंक्रीज होती हुई देखने को मिलेगी। और अभी इसके डेवलपमेंट को लेकर ग्लोबल टेंडर्स फ्लोट कर दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत एक कंसल्टेंट को हायर किया जाएगा जो फिर ये प्लानिंग करेगा कि कैसे इस बर्थ को सेटअप किया जाए। फूड ग्रेन्स, फर्टिलाइजर्स, कोल, मिनरल, स्टील कार्गो, ऐसे जो बल्क कार्गोस हैं उनकी हैंडलिंग यहाँ से होगी। टोटल 2,250.64 करोड़ पीस इसके डेवलपमेंट के ऊपर स्पेंड किए जाएंगे और एक बार जब इसका कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट होता है तो उसके नेक्स्ट 30 मंथ्स के अंदर अंदर इसे बनाया जाएगा। अगली दोस्तों एक सिमिलर से अपडेट निकल कर आ रही है यूपी से, जहाँ पर दोस्तों यूपी गवर्नमेंट के द्वारा ये प्लान किया गया है कि उनकी स्टेट में अलग अलग वाटरवेज को कार्गो ट्रांसपोर्टेशन के लिए डेवलप किया जाएगा और 8 नदियों को इसके लिए आइडेंटिफाई किया गया है। तो दोस्तों जितने भी वाटरवेज होंगे या फिर जितनी भी नदियां होंगी, इनको स्पेसिफिकली फूड ग्रेन्स, फर्टिलाइजर्स, ऐसे जो बल्क कार्गोस हैं उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किया जाएगा। गोमती, घाघरा, यमुना, राप्ती, बेतवा, चंबल, वरुणा और अस्सी, ये जो कुछ 8 रिवर्स हैं इनको अभी आइडेंटिफाई किया गया है। इनमें से ज़्यादातर रिवर्स गंगा की ट्रिब्यूटरी हैं जो कि अलग अलग एरिया से ओरिजिनेट होती हैं। मैरीटाइम इंडिया विजन 2030, जो कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज का काफ़ी बड़ा मैरीटाइम प्लान है, उसी से ये अलाइंड होगा। इसके लिए होगा ये कि यूपी के इस प्रोग्राम को हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू भी फंड्स मिल पाएंगे। इन वाटरवेज के मैनेजमेंट के लिए यूपी गवर्नमेंट के द्वारा अभी हाल ही में एक डेडिकेटेड वाटरवेज अथॉरिटी की अनाउंसमेंट भी की गई थी, तो देखते हैं कि एक्चुअल काम इसके ऊपर कब स्टार्ट हो पाता है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों हमारी नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत एक और ब्रिज का काम कंप्लीट कर दिया गया है और एक महीने के अंदर अंदर कंप्लीट होने वाला ये थर्ड ब्रिज बन गया है। दोस्तों मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के अंतर्गत पिछले एक महीने के अंदर अंदर दो ब्रिज तो पहले ही कंप्लीट हो चुके थे, जिनके बारे में आपको बताया भी था। एक ब्रिज पूर्णा रिवर के ऊपर बना था, 360 मीटर लंबा वो ब्रिज था जो कि जून में कंप्लीट हुआ था। दूसरा ब्रिज मिंडोला रिवर के ऊपर बना था, 240 मीटर के आसपास उसकी लेंथ थी और वो भी जून में कंप्लीट हुआ था। और अब जुलाई के स्टार्टिंग में ही ये थर्ड रिवर भी बनकर कंप्लीट हो गया है, जो कि अंबिका रिवर के ऊपर बनकर तैयार हुआ है और 200 मीटर इसकी लेंथ बताई गई है। 5 फुल स्पैन गर्डर्स का इस्तेमाल इसके कंस्ट्रक्शन के दौरान किया गया है और क्योंकि काफ़ी हाई टाइडल एरिया में इसका कंस्ट्रक्शन किया जा रहा था तो इसका कंस्ट्रक्शन करना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क था। ओवरऑल दोस्तों मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड कॉरिडोर के अंतर्गत 24 ब्रिजेस का कंस्ट्रक्शन किया जाना है, जिसमें से 20 गुजरात में होंगे जबकि 4 महाराष्ट्र में होंगे। और अभी वैसे तो ओवरऑल 4 कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन पिछले एक महीने के अंदर अंदर 3 कंप्लीट किए गए हैं। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी रेलवे से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों कैटल रनओवर को प्रिवेंट करने के लिए हमारी रेलवे के द्वारा मुंबई अहमदाबाद रेल रूट पर 462 किलोमीटर के ट्रैक की फेंसिंग का काम कंप्लीट कर दिया गया है और अभी जो रिमेनिंग काम बचा है वो एक महीने के अंदर अंदर मोस्ट प्रोबेबली जुलाई के अंदर अंदर ही कंप्लीट कर दिया जाएगा। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि कैटल रनओवर की जो न्यूज़ है या फिर अपडेट्स हैं वो कुछ ना कुछ दिनों में हमें देखने को मिली जाती हैं। मुंबई से अहमदाबाद के बीच में जो 622 किलोमीटर की रेल लाइन है इसे प्रायोरिटी बेसिस पर फेंसिंग से कंप्लीट किया जा रहा है और अभी कहा जा रहा है कि अहमदाबाद डिवीजन के अंतर्गत 164.16 किलोमीटर कंप्लीट हो चुका है, वडोदरा डिवीजन के अंतर्गत 104.75 किलोमीटर, जबकि मुंबई डिवीजन के अंतर्गत 192.1 किलोमीटर तक फेंसिंग का काम कंप्लीट हो गया है और जिस पे से ये चल रहा है जैसे कि मैंने आपको बताया तो जुलाई के अंदर अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट भी हमारी रेलवे से ही है, जहाँ पर हमारी रेलवे के द्वारा
जुलाई मंथ में तीन और वंदे भारत ट्रेन की प्लानिंग स्टार्ट कर दी गई है और वन बाय वन इनको फ्लैग ऑफ किया जाएगा। तो सब ये फाइनल नहीं है कि जुलाई में सिर्फ तीन वंदे भारत ट्रेन स्टार्ट होंगी, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, पर फोर से तीन तो आपको स्टार्ट होती हुई देखने को मिलेंगी। थोड़ा सा मैं डिटेल में बताऊँ तो पहली वंदे भारत ट्रेन 7 जुलाई को मोस्ट प्रोबली फ्लैग ऑफ की जाएगी, जिसे हमारे प्राइम मिनिस्टर की तरफ फ्लैग ऑफ किया जाएगा। गोरखपुर से लखनऊ के बीच में ये ऑपरेट होगी। और अभी दोस्तों इस ट्रेन के ट्रायल्स के लिए इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई से वंदे भारत ट्रेन गोरखपुर पहुंचा दी गई है। अगले 2-3 दिन इसके रिग्रेस ट्रायल लिए जाएंगे और उसके बाद आपको ये स्टार्ट होती भी देखने को मिलेगी। सिमिलरली चेन्नई से तिरुपति और जोधपुर से साबरमती, इनके बीच में भी वंदे भारत ट्रेन स्टार्ट होनी है और कहा से जा रहा है कि इनको भी 7 जुलाई को ही फ्लैग ऑफ किया जाएगा। हालांकि दोस्तों अभी कोई भी डेट फाइनल नहीं है, ये सब टेंटेटिव डेट्स हैं। बट ये पक्का है कि सभी की सभी जुलाई में स्टार्ट होंगी। सभी की सभी ट्रेन 8 कोचेस वाली वंदे भारत ट्रेन होगी और अगर डिमांड बढ़ेगी तो इनमें कोचेस को और भी ऐड किया जा सकेगा। गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, इन 5 सीट से होकर ये गुजरेंगी। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है हमारे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों ताइवानी गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स के द्वारा भी कहा जा रहा है कि उनके देश की जो कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो चाहती हैं कि वो चाइना से उनके जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं उनको दूसरी कंट्रीज में रिलोकेट करें और ऐसे में भारत उनके लिए एक प्राइम लोकेशन बन सकता है। दोस्तों रियल सेंस में अगर चाइना को एज ए मैन्युफैक्चरिंग हब कोई कंट्री रिप्लेस कर सकता है तो वो भारत ही है, क्योंकि हमारे पास चाइना की तरह बिल्कुल सेम पॉपुलेशन है, सेम वर्कफोर्स है और इनफैक्ट अब तो सेम तरह का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बनकर तैयार हो रहा है। दूसरी तरफ ताइवान और चाइना के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका भी फायदा भारत को ही देखने को मिलेगा, जिसके लिए हो ये रहा है कि जो ताइवानीज कंपनीज हैं उनको चाइना में थोड़ा बिजनेस करने में डिफिकल्टीज आ रही हैं और वो चाहती हैं कि वो उनके जो प्लांट्स हैं उनको दूसरी कंट्रीज में रिलोकेट करें। और ऐसे में बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज जो कि सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स इन सब एरियाज में काम करती हैं, वो चाहती हैं कि वो इंडिया में आकर उनकी मैन्युफैक्चरिंग करें, जो हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है। और इस सिनेरियो में हमारी इंडियन गवर्नमेंट को इन सब कंपनीज को वेलकम करना चाहिए। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।